आज बीएससी के छात्र प्रियांशु कुमार से आईबीपीएस मेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन दे करके बनारस से पटना आए हुए हैं। तो पहले तो ढेर सारी बधाई ग्रामीण में इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में बोले भी थे कि हम लोग अपने जो विद्यार्थी आईबीपीएस का बैंक क्लर्क का मेंस देने गए हैं, उनका परीक्षा गया है कैसे, उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले आप बताएं आपका सेंटर कहाँ था प्रियांशु? सर वाराणसी यूपी में आया था। वाराणसी यूपी में गया था? यस सर। आपका फर्स्ट सिटिंग था या सेकंड सिटिंग एग्जाम था? नहीं सर, फर्स्ट सिटिंग था। आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग एग्जाम था? 8 बजे सुबह। 8 बजे सुबह। हाँ। कितना बजे पहुँचा सेंटर पर आप? सेंटर पर सर 7:30 में पहुँच गए थे। एग्जामिनेशन देने के बाद आपको क्या लगा? आप पूरा एग्जाम के बारे में बताएं कि एग्जामिनेशन आपको लगा कैसे, मैथ कैसा लगा आपको? मैथ सर, मैथ्स थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको डीआई वगैरह पूछे थे, लेंदी क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस का थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है पहले से। जैसे कि पहले था आपको डायरेक्ट डाटा दिया रहता था, अब क्या आता है वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक एक्स वाई जेड करके, मिसिंग टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, सारे में मिसिंग डाटा दिया हुआ है, और वो भी वेरिएबल्स के फॉर्म में। वेरिएबल्स निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको जज कर लेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है कि नहीं, वो फॉर्म में दे दिया। किसी में अरिथमेटिक, छोटा सा अरिथमेटिक क्वेश्चन डाल के आपको उस वेरिएबल को निकालने का तरीका वो दे दिया। तो इस वीडियो बनाने का सबसे जो बड़ा मकसद है, हम लोग आईबीपीएस जो क्लर्क मेंस का जो एग्जाम हुआ, और आईबीपीएस मेंस में जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो बदल रहा, जो बदलाव हो रहा है एग्जामिनेशन के जो तरीके में, जो बदलाव हो रहा है, हम लोग उस पर फोकस करें, उस पर चर्चा करें। प्रियांशु का कहना है कि पिछले एग्जामिनेशन से इस एग्जामिनेशन में परिवर्तन दिख रहा है, मैथमेटिक्स का प्रश्न पूछने का तरीका में। इसमें डायरेक्ट प्रश्न से उत्तर आप नहीं निकाल सकते, वेरिएबल्स पूछे जा रहे हैं, वेरिएबल्स दिए जा रहे हैं, प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा रहा है, थोड़ा सा उसको उसमें कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है, और क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेंथ, आपको कैलकुलेशन छोटा होगा नो डाउट, छोटा होगा, क्वेश्चंस का लेंथ लंबा किया गया है ताकि आप लैंग्वेज पढ़े। इसमें इंग्लिश का भी टेस्ट हो रहा है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसा है आपका? तो हम बार बार बोल रहे थे, हम एक साल से बच्चों से हमेशा बोलते हैं कि आने वाला एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं वो भाषा को समझना पड़ेगा, प्रश्न की भाषा क्या है और उसमें क्या क्या फैक्ट दिए हुए हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने में आपको आराम होगा, उसमें सहूलियत मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग बार बार देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में इनका कहना है कि थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है, और उसके कारण मैथ में आप लोग देखेंगे सभी बच्चों ने मैथ में थोड़ा परेशानी होगी, इस मिनट से कट ऑफ मैथ का थोड़ा नीचे जाएगा। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग सर इजी था, बस एक मेरा पर्सनल मिस्टेक हुआ कि जैसे दो सेक्शन होते हैं, 5-10 क्वेश्चन थे, दो दो नंबर के, और बाकी क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, तो दो नंबर वाले में जो पहला ओपन हुआ तो वो मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट था, तो वो काफ़ी मुझे लगा कि मेरे लिए हार्ड है वो, तो मैं उसको स्किप किया, स्किप करना था। दूसरे वाले क्वेश्चन में था सर, 13 रो थे, नॉर्थ फेसिंग थे, 13 वेरिएबल्स थे और नॉर्थ फेसिंग थे, उनमें 4 वैकेंट सीट था, बाकी 9 लोग को अरेंज करना था, तो वो एक किए, वो था मतलब थोड़ा टाइम लगा, 10-12 मिनट लगा। इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश काफ़ी ईजी था सर, इंग्लिश आसान था। इंग्लिश बिहार के बच्चों के लिए डर होता है कि पता नहीं अंग्रेजी कैसा पूछेगा, इंग्लिश आसान रहा। अब देखिए, जिस इंग्लिश के लिए हवा खड़ा किया जाता, डर खौफ पैदा किया जाता है, इंग्लिश बैंक में बहुत टफ पूछा जाता है, इंग्लिश बहुत आसान, इंग्लिश का जगह उन्होंने मैथमेटिक्स को भारी किया, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा टफ किया, लैंग्वेज को टफ किया। जनरल अवेयरनेस कैसा रहा? जनरल अवेयरनेस सर भी इजी था, काफ़ी इजी था, जनरल अवेयरनेस डूएबल था सर, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था, करेंट टॉपिक्स से था। हम लोग नट से बता सकते हैं कि आने वाला एग्जामिनेशन जो आईपीएस मेंस होगा, पीओ का जो प्रोफेशनरी ऑफिसर का जो मेंस होगा, उसकी झांकी, उसकी झलक आईपीएस क्लर्क मिल गई है, और हम लोग इस प्रकार के 10-12 लड़कों का वीडियो बना के डालेंगे ताकि सही मार्गदर्शन बच्चों तक मिले। हम लोग क्या करते हैं कि झूठ मूठ को उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कोई चीज़ को। किसी भी संस्थान का, किसी भी टीचर का सबसे दायित्व बनता है कि एग्जामिनेशन का जो बदलाव जो हो रहा, पैटर्न का जो बदलाव दिख रहा है, उसको सच्चाई से विद्यार्थी के सामने खड़ा होकर वीडियो बनाया जाए, और ताकि अगले परीक्षा में से लोग उसका फायदा उठाएं, उसका बेहतर रिजल्ट निकालने में मदद मिले।
जय हिंद, धन्यवाद।